हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज तक आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रही थी कि आप मैं आपके लिए हेयर्स के लिए कुछ ऐसा रेमेडी लेकर आऊं, ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आऊं जो मैं अपने बालों पे भी खुद अप्लाई करती हूं और वो हमारे लिए कारगर भी साबित हो। तो आज आपकी ईशा ऐसे ही घरेलू नुस्खे लेकर आई है जो बहुत आसान है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे घरेलू चीजें हैं जिससे आपका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा आपके हेयर्स पर। इजिली आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे, आप इसको डेली अप्लाई भी कर पाएंगे और उसका रिजल्ट तो आप खुद देखते रह जाएंगे। तो चलिए, इन सब चीजों के लिए किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या इस्तेमाल लेकर आना है, उनका फायदा क्या होने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो करिए बहुत सारा लाइक, बहुत ज्यादा शेयर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नुस्खा आपको मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको लेना है कड़ी पत्ता और दही, इन दोनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है और अपने स्कैल्प पे यानी यहाँ इस एरिया पे जड़ों में आपको लगाना है पेस्ट को। लगाने के बाद आधा घंटा इसको छोड़ देना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। उस टाइम आप शैम्पू मत करिएगा क्योंकि आपने रेमेडी अप्लाई करा है। उसके दो घंटे बाद या शाम तक आप इसको कर सकते हैं। जो आपका छुट्टी का दिन हो सोचे उसी दिन करें ताकि आपको इमीडिएटली शैम्पू नहीं करना पड़े, अदरवाइज इसको आप स्किप करके नेक्स्ट डे इसको शैम्पू कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से वॉश करिएगा। इसका अब फायदा क्या है, कड़ी पत्ता और दही अगर आप दोनों मिलाकर लगाते हैं इसका पेस्ट, इससे आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे और मजबूत बनेंगे। बाल छोटे हों या बड़े लेकिन वो घने, हेवी और शाइनी होने चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशा एक्सरसाइज बताती है, ठीक है बॉडी फिट रखी हुई है तो इसलिए सजेस्ट करती है, बाल इसके खुद के छोटे हैं और हमें कैसे सजेस्ट करिए कि इसे लॉन्ग होंगे। बाल चाहे छोटे हों या बड़े लेकिन वो हेवी होने चाहिए। मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं है और शाइनी आपके सामने है जो भी अभी आपको दिख रहे हैं कैमरे में, ऑनेस्टली तो आप बता सकते हैं कि शाइनी है या नहीं। लेकिन अगर आप छूकर देखेंगे सॉफ्टन, मेरे हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, हेयर फॉल नहीं होता। मेरे हेयर की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि एटलीस्ट 1 मंथ में या 20 डेज में जिसको ट्रिम करवाना ही पड़ता है। लेकिन आप इसको करके देखिए और फिर आप खुद मान जाएंगे। आज आपको मैं एक नहीं 6-6 रेमेडीज बताने वाली हूँ, पूरी 6। आप इसको फॉलो करिए, 1 वीक फॉलो करिए, 1 मंथ फॉलो करिए और फिर देखिए आपके बालों में इसका रिजल्ट कितना ही अच्छा आने वाला है। फ्रेंड्स, आते हैं दूसरे नुस्खे पर। ये बहुत अच्छा है, जैसे आजकल रेनी सीजन चल रहा है या समर भी चल रहा हो या विंटर भी चल रहा हो, आप इसको किसी भी सीजन में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना जो आपके किसी भी इजीली आपके आसपास की शॉप में अवेलेबल होगा तो आप वहां से आप ले सकते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। इसको लेकर रात को भिगो देना है 2 चम्मच मेथी दानों को अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर मेरी लेंथ है तो आप 2 चम्मच इनफ है, इससे ज्यादा आपके लॉन्ग हेयर्स है तो आप 4 चम्मच ले सकते हैं। सुबह इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए और अपने स्कैल्प में आपको इसकी मसाज करनी है, अपने पूरे बालों में, लेंथ में भी आपको उसको अच्छे से अप्लाई कर देना है, ऐसे करके प्रॉपर पेस्ट को अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप इसमें शॉवर कैप लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है या नॉर्मल रबर बैंड से टाई कर सकते हैं। टाई करने के बाद 1/2 आवर आपको इसको पेस्ट को अपने स्कैल्प में रखना है, बालों में रखना है, स्कैल्प के साथ बालों में भी लगाना है ताकि शाइनी हो जाएंगे। उसके बाद आपको उसको नॉर्मल पानी से धो लेना है साथ में। इसके बाद उस दिन आप सोचेगा कि आपको शैम्पू मत करिए, आप नेक्स्ट डे करिए। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है या उसकी प्रेगनेंस अच्छी नहीं लग रही है तो आप 2-3 घंटे बाद शैम्पू कर सकते हैं, जो आप रेगुलर शैम्पू करते हैं। इससे आपके बाल बहुत हेवी होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर अपने बाल आप खींच के देखेंगे ना, सिंगल लेयर भी अगर आप पुल करके देखेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। अभी भी मैंने ज्यादा लिया हुआ है, कैमरे में नहीं उठ पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। सिंगल हेयर भी लेंगे तो वो टूटेगा नहीं, आपको खुद फील होगा कि अपने फेस पर आप टच करके देखें आपको सॉफ्टन फील होगा, तो इसको अप्लाई जरूर करिएगा। अब आते हैं तीसरे घरेलू नुस्खे पर। 2 लेमन लेने हैं, अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो 2 लेमन इनफ है। मेरे जितनी लेंथ है या मेरे से थोड़ी सी शॉर्ट है तो 1 लेमन इनफ है। आपको उसका रस जो है अच्छे से अपने स्कैल्प में लगा लेना है, बालों के अंदर जड़ों तक आपको लगा लेना है। लगाने के बाद 15 मिनट, आधा घंटा मत रखेगा, 15 मिनट इनफ है, 10 से 15 मिनट आप रखिए। उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए, आपके जो हेयर्स में डैंड्रफ प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, साथ में आपके हेयर्स जो है बहुत स्ट्रांग बनेंगे, अच्छे होंगे क्वालिटी उसकी, तभी तो उसका ग्रोथ होगा ना। अगर टूटते ही रहेंगे तो आप कितना भी शैम्पू लगा लीजिए, बहुत अच्छे ब्रांड की यूज कर लीजिए, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आपके लॉन्ग हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इतने झड़ भी जाएंगे तो लॉन्ग कैसे होंगे। पतले पतले हेयर्स कितने खराब लगते हैं, इनका स्कैल्प दिख रहा होता है, बुरा लगता है ना। आपको जो मैं रेमेडीज बताती जा रही हूँ आप हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट इसका इस्तेमाल करिए। अपने बालों में ऑयलिंग करिए 2 बारी, ऑयल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने बालों में कौन सा ऑयल लगाती हूँ या कौन सा ऑयल लगाना चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि आपको कौन सा ऑयल लगाना चाहिए आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। अब आते हैं चौथे घरेलू नुस्खे पर।
चौथे घरेलू नुस्खे में आपको क्या करना है, एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। मेरे जितने हेयर्स है तो आप दो चम्मच ले सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग हेयर्स है तो आप तीन या चार चम्मच एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जितने आपके बालों में आपको लगे। क्वांटिटी आपकी हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छी हो हेयर्स की, मेरे बहुत लाइट है, फिर भी इससे हेवी क्वालिटी भी होती है बहुत लोगों की। अगर वो भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा, अगर आपके एलोवेरा जेल की रिक्वायरमेंट तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। एलोवेरा जेल प्लीज प्योर लीजिएगा, कलर्ड वाला मत लीजिएगा। बहुत सारे ब्रांड्स में नॉर्मल आता है, या आप उसका जो प्लांट होता है ना उसका येलो वाला पार्ट निकाल कर, येलो वाली जो लेयर होती है वो वेस्ट होती है, जो लीफ होती है ना उसको कट करके आप वो वाला नेचुरल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। या वैसे मैंने पतंजलि का यूज करके देखा है, मैं अपने ऊपर वही इस्तेमाल करती हूँ, वो काफी अच्छा है। ग्रीन कलर उसमें एड है बट वो मेरे स्कैल्प को सॉफ्टन बनाता है, तो मैंने उसको रेगुलर फॉलो कर रही हूँ, मैंने चेंज नहीं करा। इससे क्या होगा, आपके हेयर एलोवेरा जेल से बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जो हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रही है ना वो आपकी रुक जाएगी। तो इसको अप्लाई करिए, हफ्ते में कम से कम दो बारी करिए, इसको लगाकर एक घंटा बालों में छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। सेम आपको शैम्पू सेम डे नहीं करना, नेक्स्ट डे करिए, अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप दूसरी आज बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं पांचवे घरेलू नुस्खे पर, इसमें आपको क्या करना है, प्याज का रस लेना है। अगर आपके जैसे कई लोगों का प्रॉब्लम होता है गर्ल्स में भी, यंग एज में भी, कि अगर आप हेयर अगर पूरे पोनीटेल बनाते हैं तो यहाँ से कुछ कुछ एरिया छूटता जाता है, बाल हमारे यहाँ से हटने शुरू हो जाते हैं, या स्कैल्प में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्किन ज्यादा दिखने लगती है। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हो या ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो दो चम्मच प्याज का रस लेना है, उसमें आपको हाफ लेमन का उसका रस ऐड कर लेना है, और उसके साथ जो ऐड करना है वो आपको ऐड करना है खट्टा दही। नॉर्मल दही मत लीजिएगा, जो बिल्कुल खट्टा हो, आपको टेस्ट में लगे कि हाँ वो खट्टा आ रहा है, उसमें सौर का टेस्ट आ रहा है खट्टेपन का, तो आप उसको यूज करिए। खट्टा वाला दही आपको मिक्स करके दोनों का पेस्ट बना के सबको मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, और इसको एक घंटे बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है, तो आप खुद फील करेंगे कि आपको जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम थी बाल झड़ने की वो दूर हो गई है, साथ में आपकी बहुत ज्यादा बाल स्किन जो दिखने लगी थी, आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, वो दूर होती जाएगी। ऑनेस्टली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, हफ्ते में दो बार यूज करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके आप लोग खुद बोलेंगे, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा कि इशा आपने जो पूछा था उसका रिजल्ट कैसा रहा, आप लोग खुद कमेंट करेंगे। आपके बाल बहुत शाइनी हो जाएंगे, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल बहुत बढ़ने लग जाएंगे जल्दी जल्दी, उनकी ग्रोथ अगर फास्ट नहीं हो रही है तो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, हेयर फॉल रुक जाएगा, शाइनी भी हो जाएंगे। आपको सिक्स जो मैं बता रही हूँ घरेलू नुस्खा लास्ट है ये, लेकिन बहुत सारे घरेलू नुस्खे थे, लेकिन छह जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ मैंने सिर्फ आपसे वही शेयर करना ठीक समझा, क्योंकि मैं कुछ भी सुनकर आपको सजेस्ट नहीं करना चाहती, ताकि आपसे मैं ऑनेस्टली वो रिलेशन बनाए रखूँ फ्यूचर तक भी, तभी मैंने आपसे जो चीज अपने ऊपर अप्लाई करी वही आपसे शेयर कर रही हूँ। लास्ट है इसमें क्या करना है, आपको दो तीन आलू पीस कर उनका जो रस है वो निकाल लेना है, उसको बाकी को उसका जो पल्प होता है उसको छान लेना, अलग निकाल देना है, जो उसका रस है वो आपको अपने अच्छे से स्कैल्प में मसाज कर लेना है, पूरे हेयर्स में भी लगा देना है, लगाने के बाद एक घंटा उसको छोड़ देना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप खुद फील करेंगे कि आपके हेयर्स बहुत शाइनी हो गए, स्ट्रेंथ उनको मिल गई है, जो स्प्लिट एंड प्रॉब्लम्स होती है ना, दो मुंह बाल हो जाते हैं वो दूर हो गए, और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत शाइनी, मतलब खुद फील होगा, आपको छूने का मन करेगा बार बार अपने हेयर्स को, बहुत शाइनी फील होंगे। तो प्लीज ये छह नुस्खे आप जो है रेगुलर इसको इस्तेमाल करिए, हफ्ते में दो बार जरूर करिए। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको छह नुस्खे बताए, छह में से आपको जो बेटर लगता है आप वो चूज कर सकते हैं अपने हेयर्स के लिए। वैसे मैं 100% श्योरिटी देती हूँ ये घरेलू नुस्खे जो मैंने बताए हैं ये एक्चुअल में आपके ऊपर वर्क करेंगे, फिर भी सबकी अपनी अपनी स्किन टाइप होती है, मतलब 100% में से 90% मैं 10% का बोलती हूँ, अगर वर्क नहीं करा 10% लोगों पर, तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, एक नुस्खा आपने दो तीन महीने तक अप्लाई करा, वन मंथ तक अप्लाई करा, नहीं कुछ फर्क करा, थोड़ा सा रिजल्ट मिला है, अगर आपको चाहते कोई और बेटर तो आप छह नुस्खों में से कोई और नुस्खा भी आप अप्लाई ले सकते हैं अपने बालों पर, उसको लगा सकते हैं। बट ये छह के छह नुस्खे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको चुनना सिर्फ एक ही है, ये नहीं कि आज आप ये करें नेक्स्ट डे आप दूसरा करें, ऐसा मत करेगा कि आपने कहीं और वीडियो देखा तो वो भी अप्लाई कर ले। जितनी कम चीजें और जितनी घरेलू चीजें आप अप्लाई करेंगे ना उतना ही आपके हेयर इफेक्टिव रहेंगे। आप लोगों के बहुत कमेंट से तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं अपने ऊपर जो इस्तेमाल लेकर आती हूँ वो जरूर आपसे शेयर करूंगी। अब आपको अपना वादा पूरा करना है, जो आप लाइव सेशन में मुझे प्यार देते हैं वो आपको मेरे को वीडियो में भी देना है, आपको वीडियो को बहुत सारा शेयर करना है, और अगर सच में आप वीडियो मेरा शेयर करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इतने लोगों का शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। आप जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे मुझे चार उसका नेम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी, तो आप प्लीज मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करेगा, देखेगा, मुझे कमेंट करेगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस बारे में चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ध्यान रखिए अपने हेयर्स का, अपने आप का भी, मेरे एक्सरसाइजेस, मेरे रेमेडीज, मेरे डाइट प्लान जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।